जयपुर कला महोत्सव के दूसरे दिन कल जवाहर कला केंद्र में विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियों को देखने के लिए लोगों में उत्साह नजर आया। यहां देश भर के कलाकारों की 70 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिन पर साज सज्जा के विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से आई फड़ चित्रकार मधुमिता ने बताया कि जयपुर में उनकी कला को काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल उनकी टीम के सदस्य यहाँ महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल का मिदनापुर से। हमारा जो पेंटिंग है इसका नाम है मिदनापुर का वेस्ट बंगाल का पटचित्र पेंटिंग है। हमारा एक पेंटिंग में गाना है, स्टोरी है, और इस पेंटिंग में सब नेचुरल कलर है। हम जो साड़ी में करते हैं वो फैब्रिक देते हैं, जो मेटल के ऊपर जाता है वो ऑयल कलर है, और पेंटिंग में हमारा खुद का कलर हम बनाते हैं वो कलर ही हम देता है। और इधर का जो ऑर्गेनाइजर जो है सब अच्छे से सब मेंटेन करते हैं, हमको ही फ्री में स्टॉल मिला है, और इधर रहने वाले सब कुछ अच्छा है, इधर कस्टमर भी बहुत अच्छा है, इधर पेंटिंग बहुत सेल होता है। ये हमारा छठा संस्करण चल रहा है। इस कला महोत्सव में देश के विभिन्न भागों से, जैसे मेघालय है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है, यहाँ से कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर हम लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी दे रहे हैं, और करीब 100 से 150 कलाकार हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसका मतलब कि कला जो अभी तक आम जन के पास नहीं पहुँच पा रही है, उसको देने के लिए एक मंच है।